अच्छा दैन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पाट पेपर्स में दैट इज फाइब्रस डिस्प्लेसिया हमने uh, लास्ट की कुछ वीडियोस में डिफरेंट बोन ट्यूमर्स पढ़े हैं और फाइब्रस डिस्प्लेसिया इज नॉट अ ट्रू बोन ट्यूमर इट्स अ फाइब्रस ग्रोथ इन द मिडलरी पोर्शन ऑफ द बोन बट इट मिमिक्स और इट सीमुलेट्स अ बोनी न्यो ठीक है तो इट्स अ बिनाइन ट्यूमर या एक फाइबर uh, सी ग्रोथ होती है दैट हैज लाइकन टू अ लोकलाइज डिवेलपमेंटल अरेस्ट ऑफ बोन खैर इसको तो आसान अफाज में ऐसे अगर बताऊँ तो जब डिसकवर्ड यूज़ हो ना डिस मीन्स दैट समथिंग हैज़ नॉट फॉर्म्ड प्रॉपर्ली ठीक है और जब डी कवर्ड हो ना डी ई दैट मीन्स समथिंग समंगज फॉर्म प्रॉपरली बट दैट हैज़ बिन डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू एनी कॉज ठीक है फाइब्रस डिस मीन्स दैट ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है एक कॉन्जेंटल डिफेक्ट है और बाय बर्थ ही अब नॉर्मोलिटीज आ रही हैं और फाइब्रोस ये पता चल रहा है कि नॉर्मल जो बोनी मेडाला है जो बोन का मेडला है दैट हैज़ टू कंटेन द ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टिस्ट एंड ऑल द बोन सेल्स राइट इफ दे गेट दे गेट यू कैन से रिप्लेसड बाय द फाइब्रस टिशू और फाइबरब्लास्टिक टिशू दैट रिजल्ट इन फाइब्रस डिस्प्लेजिया तो इसमें uh, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है दट फाइबरस डिस्प्लेजिया इज अ बिनाइंड ट्यूमर दैट हैज़ बिन लाइकंड टू अ लोकलाइज्ड डिवेलपमेंटल अरेस्ट ऑफ बोन कॉन्सोडेंट्स के जो नॉर्मल बोन के कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी डिवेलपमेंटल अरेस्ट होगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए या उसको यू कैन से कॉम्पनसेट करने के लिए फाइब्रस ग्रोथ हो जाती है दैट इज फाइब्रस डिस्प्लेसिया ठीक है और ये ड्यूरिंग स्कैल्टल डेवलपमेंट ही होती है एंड इसकी हमारे पास तो तीन चार इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फॉर्म्स हैं और ये पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन भी आया आएगा इसके क्लिनिकल फॉर्म्स आप मेंशन करें तो चार इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फॉर्म्स हैं नंबर वन इज मोनोस्टोटिक फाइबर्स डिसप्लेस है मतलब कि किसी एक बोन को इन्वॉल्व कर रहा है पोलियोस्टोटिक फाइबर्स डिसप्लेस मतलब मल्टीपल बोन्स को इन्वॉल्व कर रहा है ठीक है एंड द अदर टू आर द टू सिंड्रोम्स एक है मेजाब्रोड सिंड्रोम मेजाब्रोड सिंड्रोम में ये है कि फाइब्रस डिप्लेजर तो है ही साथ में सॉफ्ट टिशू मिक्जोमा भी है जो कि हार्ट में एक पुरानी ट्यूमर होता है तो सॉफ्ट टिशू मिक्जोमा एंड फाइब्रस डिस्प्लेजिया हमें मेजा ब्रॉड सिंड्रोम में मिलता है जो कि एक क्लिनिकल पिक्चर है एक क्लिनिकल टाइप है फाइब्रस uh, डिस्प्लेजिया की तो मेजा ब्रॉड सिंड्रोम में क्या है फाइब्रस डिप्लेजिया विद सॉफ्ट टिश्यू मिक्जोमा फोर्थ क्लिनिकल टाइप है इसकी मकून अलब्राइट सिंड्रोम मकून अलब्राइट सिंड्रोम में ये है कि पोलियोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेजिया मल्टीपल बोन्स बॉन्स फाइब्रस साथ में कैफे लेट स्किन uh, पिगमेंटेशन है ये दरअसल ना ब्राउनिश पिगमेंटेड मैक्यूल्स या पैचेस लाइक like, uh, डिस्कलरेशन होती हैं स्किन पे पिगमेंटेश होती हैं स्किन पे दैट इज कैफे और लेट स्किन पिगमेंटेशन तो हमें स्किन की भी मिल रही प्रेजेंटेशन और पोलियो फाइब्रस फाइबरस डिस्प्लेजा भी मिल रहा है और साथ में थर्ड प्रेजेंटेशन इस सिंड्रोम की है एंडोक्राइन एपनोमिलिटीज़ीज जिसमें प्रिकॉशिज प्रियवरिटी होती है मोस्टली गर्ल्स में ठीक है तो पोलियो डिस्प्ले फाइब्रस डिस्प्लेजिया कैफेलेट स्किन स्किन एंडोक्राइन एपनोमिलिटीज़ीजी स्पेशली प्रकॉशन पीवोर्टी तो ये हमने तीन चार क्लिनिकल फॉर्म्स पढ़ ली हैं फाइब्रस डिस्प्लेजिया पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी इसमें बेसिकली गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है जी ए जी एन ए एस जीन में सॉरी जी एन ए एस वन जी में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है दिस इज द सेम जीन दैट वाज आल्सो इन्वाल्व इन द पैथोजेनेसिस ऑफ पिचोट्री एडिनोमास ठीक है जब इस जीन की म्यूटेशन होगी तो जो प्रोटीन हाइपर स्टम्युलेट होगी या जिसकी ज़्यादा एक्सप्रेशन होगी जिस प्रोटीन का दैट इज एक्टिव जी एस प्रोटीन जी एस प्रोटीन ज़्यादा स्टिमुलेट होगी तो साइकिल के एम पी का लेवल ज्यादा होगा साइकिल के ए एम पी का लेवल ज़्यादा होगा तो उस नतीजे में होगा क्या कि साइकिल ए एम पी मीडिएटेड इंटरप्शन हो जाएगी नॉर्मल ऑस्टिव लास्ट डिफ्रेंशिएशन की

जो फिनोटाइप आएगी हमने इसके चार क्लिनिकल फिनोटाइप पढ़ी हैं ना तो जो फिनोटाइप आएगी वो डिपेंड करेगी कि किस पॉइंट uh, uh, पर आकर म्यूटेशन आई थी वेदर uh, uh, की अर्ली स्टेज ऑफ ऑर्गेनोजोनेसिस पर म्यूटेशन आई या फिर लेटेस्ट स्टेज पर म्यूटेशन uh, आई है तो उन्होंने कहा है कि अगर अर्ली स्टेज पर ही म्यूटेशन आ जाएगी एमरोजेसिस की स्टेज पर ही म्यूटेशन आ जाएगी तब तो जो सबसे स्वियर फॉर्म है दैट इज मैक्यून अलब्राइट सिंड्रोम वो रिजल्ट करेगा जबकि अगर म्यूटेशन आती है आफ्टर द फॉर्मेशन और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन तब जस्ट मोनोस्टोटिक फाइब्रस डिस्प्लेसिया होगा तो ये बात होगी मॉर्फोलॉजी भी पूछी जाती है इसकी कि मोरफोलॉजी कैसी होती है फार्म स्पेसिया की तो ऐसे बिनाए न तो सर्कम वेल इंट्रा इंट्रामिडरी लीज होंगी एंड दे वेरी ग्रेटली इन साइज ठीक है और लार्ज uh, लीजन अगर लार्ज हो जाएंगे तो दे कैन ऑल्सो एक्सपैंड एंड स्टोर द बोन और uh, जो लीजनल टिश्यू होगा इस लीजन का वो कैसा होगा कर्वी लीनियर ट्रिबैकुलियो होंगे वोवन बोन के मतलब कुछ वहाँ बोनी कंपोनेंट भी होगा कर्वी लिनियर ट्रिबैकुल वोवन बोन सराउंडेड बाय मॉडरेटली सेलर फाइब्रोब्लास्टिक प्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन तो कवी लीनियर ऑफ ट्रिबैकुलवन बोन सराउंडेड बाय फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन तो ये उसकी मोर्फोलॉजी होगी फाइबर डिप्लेजिया की और जो ट्रिब्रेसले तो होंगे ना वोन बोन के दिव लैक प्रोमिनेंट ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग क्योंकि वहाँ प्रोपर ऑस्टियोब्लास्ट तो है नहीं ना उनकी तो उन्होंने रिफ्रेशन रोक दी तो प्रॉपर ऑस्टोब्लास्टिक रिमिंग नहीं मिलेगी हमें उन, आ, जो इंटरवोम ट्रेबैकुले होता है ठीक है इसके अलावा इस फाइबरस uh, डिस्पेसिया की सिस्टिक डी भी हो सकती है हेमरेज भी हो सकते हैं वहाँ पर हमें फॉमिंग माइक्रोफेज भी मिल सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड है तो एक करवी लीनियर है ट्रेबैकुले बोन है वन फाइंडिंग मॉर्फोलॉजी में सेकेंड सेलर फाइब्रोब्लास्टिक ब्लास्टिकेशन है सेकंड फाइंडिंग थर्ड फाइंडिंग है सिस्टिक डिजनरेशन फोर्थ है हेमरेज और फिफ्थ फॉर्मिंग माइक्रोफेज ठीक है तो हमने ये मॉर्फोलॉजी में या फिर क्लिनिकल फाइंडिंग सॉरी वो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में चीज़ें मैंशन करनी है ठीक है इसका क्लिनिकल कोर्स कैसा होता है अगर तो मोनोस्टोटिक है तो आप द फ्यूजन ऑफ ग्रोथ प्लेट ये इसके जो इसके जो वो हो गए एक्सपेंशन होगी वो रुक जाएगी ठीक है और मोनोस्टोटिक है तो इतने कोई सिम्टम्स वीर कोज नहीं करेगी बस ये पेन हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है या लिम लेंथ में डिस्क्रिपेंसीज uh, आ सकती है कि जिस तरफ की अफेक्टेड uh, है बोन वहाँ की लिम लेंथ कम रह सकती है ज़्यादा हो सकती है वो डिस्क्रिपेंसीज होगी ठीक है और जो मोनोस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेस उसको हम जस्ट uh, किरोटाज से रिमूव कर लेते हैं प्लास्टिक टिश्यू को या फाइबरस टिशू को ठीक है ये उसका uh, उसकी एक मैनेजमेंट है मोनोस्टोटिक की लेकिन अगर ये फॉर्म में प्रेजेंट करें लाइक पोलियोस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया हो तो वो फिर अडल्टूड में भी ग्रो करता रहता है क्योंकि वो मल्टीपल बोन्स में है और अगर ये इन्वॉल्व करें लिम गर्डल्स को तो क्रिपलिंग डिफॉर्मिटीज़ होंगे और फ्रैक्चर्स ज़्यादा होने के चांसे दें जो मकून अल ब्राइड सेंडर में क्योंकि हमने ये देखा कि उसमें पोलियोस्टोटिक फाइबस डिस्प्लेसर था ही था साथ में और क्या था उसके एंडोक्राइन एब्नोमिलिटीज भी थी तो जो फाइबरस को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम बाकी लोगों को कर रहे हैं क्यूरोटाज से और जो एंडोक्राइन एंडोक्राम हैं उसको हम मेडिकल ट्रीट करें मेडिकली ट्रीट करेंगे तो इधर दैट इज़ दैट इज़ ऑल अबाउट फाइबर्स डिस्टेजी आई होप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर हो गए होंगे